ज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ता है, जबकि ज्ञानी की परिच्छिन्नता ज्ञान से कट जाती है कि मैं ज्ञानी नहीं ज्ञान हूँ। ज्ञानी को कौन सा प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है? ये बता, जेलों का प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। तो ज्ञानी भी जो उसके शरीर से उचित अंकित होता है वो तो तस्य पुत्रादायक हो गया थी, उपनिषदों में आया, ब्राह्मण ग्रंथों में आया है कि उसके जो शिष्य होते हैं उनको हकदारी मिलती है, जो उसकी निंदा करते हैं उसको ज्ञानी का पाप मिल जाता है, और जो उसकी प्रशंसा करते हैं स्तुति करते हैं उसको ज्ञानी का पुण्य मिल जाता है। पर बात असल में यह है कि ज्ञानी की स्वदृष्टि में न पाप है न पुण्य है, पूर्व जन्म भी नहीं है, वो अज्ञान दशा में ही वो अपना पूर्व जन्म मानता था और वहां के किए हुए कर्मों का प्रारब्ध मानता था। तो जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो उसकी स्वदृष्टि में न पूर्व जन्म है न उत्तर जन्म है न वर्तमान जन्म है। तो ये प्रारब्ध किसके लिए है? जब अज्ञानी लोग आके पूछते हैं कि हे महाराज आपको रोटी कहाँ से मिल जाती है, आप कोई काम तो नहीं करते, तो उनको वो क्या समझा रहे? न रोटी है न भोजन है न स्वरूप, स्वरूप दृष्टि से तो कुछ ही नहीं। तो उनको उन्हीं की दृष्टि से बोलता है अज्ञान जल बोधात्म प्रारब्धम वर्ति वही श्रुति, जो ईश्वर को मानते हैं उनसे कहता भैया ईश्वर भेज देता है, जो प्रारब्ध को मानते हैं उनसे कहता है कि भैया प्रारब्ध से मिलता है, उनके संतोष के लिए प्रारब्ध की कल्पना करता है। ये जैसे एक कहीं महंत बन गए, मंडलेश्वर बन गए और लोगों ने आकर पूछा कि महाराज आपने ये महंत मंडलेश्वरी कैसे स्वीकार की? बोले ऐसे ही प्रारब्ध था, ऐसे ही प्रारब्ध था। फिर बोले महाराज आपने प्रारब्ध कहा, आप तो साक्षात ब्रह्म है। बोले अभी अविद्यालेश बाकी है। तो ज्ञानी का जो प्रारब्ध है अब वो स्वदृष्टि से नहीं है, उसके जो शिष्य हैं प्रवीण हैं जो प्रारब्ध मानते हैं उनकी दृष्टि से प्रारब्ध है। शंकराचार्य भगवान ने भी ज्ञानार्थ सर्वकर्माणि भ्रष्टा कुरुते अर्जुना इसके भाष्य में लिखा है कि प्रारब्ध व्यतिरिक्त ये जो तीर छूट चुका है जिससे ये शरीर छूट चुका है वो जब तक रहेगा तब तक दग्धरथन न्याय से, दग्धरथन न्याय माने कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ भस्म हो गया, परंतु भगवान उस पर बैठे थे इसलिए वो टूटा नहीं। जब आखिरी दिन युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान ने कहा अर्जुन पहले तुम उतर रथ से, अर्जुन ने कहा भोज तुम उतर के हमको हाथ देते थे सारथी की तरह, तब मैं उतरता था, आज तुम पहले क्यों नहीं उतरते? बोले अब मैं सारथी नहीं हूं, मेरा हुक्म मानो उतर जा। हां जब उतर गए, अर्जुन उतर गए, तब से उतरे हनुमान जी उड़ गए और अर्जुन का रथ और घोड़े और चाबुक ये सब तो सब पहले ही जल चुका। इसी प्रकार ये ज्ञानी का शरीर जो है ये रहता है भगवत तत्व के द्वारा अधिष्ठित छूटे हुए बाण की तरह, जब तक इसका जीवन है